हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित है और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेते हैं आज का सवाल जो हमें भेजा है दिनेश जी ने, और वो पूछते हैं, हाय अमित, मैं मार्केट में बिल्कुल नया हूँ। वीडियो के जरिए आप मार्केट को बहुत अच्छे से समझाते हो। मैंने आपके स्टॉप लॉस रिलेटेड दोनों वीडियोस देख ली है। मुझे स्टॉप लॉस की वो कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अच्छी लगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या हम मूविंग एवरेज को एज अ स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो फिर प्लीज एक वीडियो बनाकर समझाइए। हे दिनेश जी, थैंक यू फॉर दैट वंडरफुल क्वेश्चन। यू नो व्हाट, मूविंग एवरेज मार्केट का वो टूल है जो काफी वर्सटाइल है और हम इन्हें बहुत सारे तरीके से यूज कर सकते हैं। हम इन्हें ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने में यूज कर सकते हैं, हम उन्हें एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल यूज कर सकते हैं, इनफैक्ट हम उन्हें स्टॉक को सिलेक्ट करने में भी यूज कर सकते हैं। चलो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि मूविंग एवरेज को हम एज अ स्टॉप लॉस कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये कंसेप्ट भी काफी सिंपल है और ये उन लोग के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो मार्केट में कंपैरेटिवली नए हैं। थोड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहला तरीका दोस्तों बहुत ही सिंपल है, जहां हम प्राइस को मूविंग एवरेज को टच या तो क्रॉस करने तक का इंतजार करते हैं। अभी मान लो हमने बिल्कुल यहाँ पर एंट्री ली है और हमारा मूविंग एवरेज यहाँ पर है। दोस्तों, यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि कौन सा मूविंग एवरेज हमें यूज करना है। हम 10 वाला, 20 वाला या तो 50 वाला मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हैं। ये टोटली अपने पे है कि हम कौन सा यूज करना चाहते हैं। तो मान लो चार्ट पर हमारी एंट्री यहाँ पर है और हमारा मूविंग एवरेज प्राइस के बिल्कुल नीचे है, जो हमारे लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि किस तरह से हमें ये ऑलरेडी पता होगा कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ है। अगर आप प्राइस एक्शन को समझते हो तो ये बात तो आप जानते ही होंगे कि ये तो मूविंग एवरेज का नेचर ही होता है कि वो प्राइस के साथ साथ, मतलब प्राइस के डायरेक्शन में आगे बढ़े। अभी मान लो यहाँ पे हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस है कुछ 50 पॉइंट का, तो फिर जैसे ही प्राइस एडवांस करेगी, मूविंग एवरेज भी नेचुरली उसे फॉलो करते जाएगा और इवेंचुअली कभी ना कभी प्राइस नीचे टर्न होगी और वो मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लेगी। बस एग्जैक्टली उसी टाइम पे हमें अपने ट्रेड से बाहर निकल आना है। देखो दोस्तों, जैसे मैंने पहले ही कहा है, ये बहुत ही सिंपल तरीका है स्टॉप लॉस को फॉलो करने का। हमें यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है कि अननेसेसरली हम चार्ट को ओवर एनालाइज करें, और एग्जैक्टली इसलिए ये तरीका नए लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हो जाता है। पर आई एम श्योर अभी आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये हमेशा काम करेगा। नहीं, ये हमेशा काम नहीं करने वाला है। ये चीज बस तभी काम करेगी जब मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हो, लेकिन अगर मार्केट चौपी है तो दोस्तों ये बिल्कुल काम नहीं करने वाला। बस इतना याद रखना। दोस्तों, इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि कई बार प्राइस का बिहेवियर ऐसा होता है ना कि वो मूविंग एवरेज को बस एक कैंडल या तो एक बार के लिए टच करती है और दोबारा से ऊपर शूट हो जाती है। अगर आप मार्केट में रेगुलर ट्रेडिंग करते हो तो ये सिनेरियो आपने बहुत बार देखा होगा। तो एज अ सॉल्यूशन हम थोड़ी राह देखेंगे और अगर कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो रही है तो ही हम अपने ट्रेड से बाहर निकल आएंगे। दोस्तों, कई बार इंट्राडे प्राइस एक्शन में होता क्या है ना, न्यूज के वजह से या तो कोई नंबर रिलीज हो रहा है उस वजह से, जो भी हो, प्राइस अपोजिट साइड शूट हो जाती है, पर मार्केट क्लोज होते होते दोबारा से वो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन पकड़ लेती है। अगर आप रेगुलर ट्रेडिंग करते हो तो आई एम श्योर आपने भी ये कई बार देखा होगा। तो जैसे ही हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई मैं अपने ट्रेड से तभी बाहर नहीं निकलूंगा जब प्राइस मूविंग एवरेज को टच करे, बल्कि मैं अपने ट्रेड से तभी बाहर आऊंगा जब कोई कैंडल मेरे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देगी। इससे फायदा दोस्तों ये होता है कि अगर वो कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दे रही है तो हम अपने ट्रेड में बने रहते हैं। ये इसका एक जबरदस्त एडवांटेज है। यहाँ पे हम और दो तीन चेंजेस भी कर सकते हैं। हम ऐसा भी डिसाइड कर सकते हैं कि यार एक ही कैंडल क्यों, मैं अपने ट्रेड से तभी बाहर आऊंगा जब दो या तीन कैंडल मेरे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दे रही है। यू नो गाइस, ये एक तरह से कंफर्मेशन है कि प्राइस का अभी कोई मूड नहीं है कि वो दोबारा से ऊपर भागे। या तो दोस्तों एज अ वेरिएशन हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम अपने दिमाग में एक नंबर को फिक्स करके रख सकते हैं। मान लो अगर वो एक्स है तो प्राइस जब मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे आएगी तो मैं तब तक अपने ट्रेड से बाहर नहीं निकलूंगा जब तक कि प्राइस
एक्स लेवल को टच नहीं करती, ये भी एक बहुत असरदार तरीका है। दोस्तों हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना कि ट्रेंड को मतलब प्राइस को थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं। जैसे क्रिकेट में नहीं, बैट्समैन को हमेशा ही बेनिफिट ऑफ डाउट का फायदा मिलता है। बहुत बार नॉइज के बाद प्राइस तुरंत ही ओरिजिनल ट्रेंड को रेज्यूम कर लेती है और हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि उस नॉइज में बस थोड़े पॉइंट्स के लिए हम ट्रेड से बाहर निकल आए, और इसीलिए हम ये वेरिएशन को यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम अपने स्टॉक का हिस्टोरिकल डेटा देखें और उस टाइम पर अगर हम ये चेक करें कि प्राइस का मूविंग एवरेज के साथ बिहेवियर कैसा रहा है, इन वेरिएशन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो अगर हम यूज करते तो ट्रेंड में बने रहते और ढेर सारा प्रॉफिट कमा पाते। अगर आप वो ऑप्शन ढूंढ पाओ तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि इस टाइम पे भी प्राइस ठीक वैसे ही बिहेव करे। तो दोस्तों मूविंग एवरेज को एज अ स्टॉप लॉस यूज करने के ये थे कुछ मेरे आइडियाज। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे नीचे कमेंट में ये बताएं कि आपकी इस टॉपिक पर क्या राय है, या तो उससे भी बेस्ट आप मुझे आपकी आइडियाज, सजेशन, डाउट्स डायरेक्टली मुझे ईमेल भी कर सकते हो। मेरे ईमेल आईडीज अभी आपके स्क्रीन पर या तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। दोस्तों मुझे हमेशा ही आपके ईमेल का इंतजार रहता है। तो चलो दोस्तों बातें तो बहुत हुई, अभी जरा हम चलते हैं अपने ट्रेड की एनालिसिस की तरफ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक का बटन दबाने ना भूलना, और बोलने की जरूरत तो नहीं है पर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि वीडियो बनाने के लिए मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपको भी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है और अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए भी हो तो ये मैं चाहता हूँ कि आप ये वाला वीडियो यहीं पॉज कर दो और पहले जरा ये वाली दो वीडियोस को भी देख लें, ताकि बाकी बचे हुई वीडियो भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। दोस्तों ये जो चार्ट आप देख रहे हो वो है सेल का 30 मिनट का चार्ट। कोई भी चार्ट जब हम पहली बार ओपन करते हैं ना तो ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी होता है कि स्टॉक में ट्रेंड क्या है, और ट्रेंड जानने के लिए हम यूज करते हैं 100 वाला सिंपल मूविंग एवरेज। दोस्तों जैसे मैंने इस वीडियो में पहले ही कहा था कि मूविंग एवरेज एक ऐसा टूल है जो काफी वर्सेटाइल है, हम इससे कोई भी स्टॉक की कोई भी टाइम फ्रेम का एग्जैक्ट ट्रेंड जान सकते हैं। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आपके लिए मैंने इसी टॉपिक पर और एक वीडियो पहले ही बना रखी है, उसे जरूर देख लेना, आई एम श्योर आपके वो बहुत काम आएगी। तो दोस्तों जब हम ट्रेंड की बात करते हैं तो हम ये देखना चाहते हैं कि अपना स्टॉक उसके 100 वाले सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा हो, जैसे कि हम ये स्टॉक में भी वो क्लियरली देख रहे हैं। ये एक बहुत जबरदस्त साइन होता है कि स्टॉक इस टाइम फ्रेम में काफी बुलिश है। प्राइस में स्ट्रेंथ तो हमने नोटिस कर ली है, पर हमें यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। अप ट्रेंड में हमें स्टॉक को सस्ते में बाय करना होता है, और इसीलिए हम यूज करते हैं अपना दूसरा इंडिकेटर जो है स्टोकेस्टिक। देखो कैसे प्राइस बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक नीचे गिर चुकी है, जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं पुलबैक। देखो प्राइस नीचे आई और स्टोकेस्टिक्स भी उसके ओवरसोल्ड जोन में, मतलब उसके 20 के लेवल पर आया है। दोस्तों हमने ये तो कंफर्म कर लिया कि ये स्टॉक इस टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में है, पर बाय करने के लिए इतना काफी नहीं है। हमें यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट ढूंढने होंगे जो हमारे प्रेडिक्शन को कंफर्म करेंगे। यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ये जो ब्लू वाली लाइन है जो 50 वाले सिंपल मूविंग एवरेज की है, वो भी प्राइस को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, मतलब प्राइस उसे तोड़कर नीचे नहीं जा रही है। फिर अगर हम इन कुछ लोस को ज्वाइन कर दे तो एक लाइन भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों इस लाइन को हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं ट्रेंड लाइन। अगर प्राइस को पहले भी यहाँ से बाउंस मिल चुका है तो चांसेस बहुत होते हैं कि इस बार भी वो मिल जाए। देखो एग्जैक्टली वही हुआ, प्राइस नीचे आई, स्टोकेस्टिक ओवरसोल्ड हो गया, प्राइस ने ट्रेंड लाइन को भी टच कर दिया, 50 वाले मूविंग एवरेज ने भी प्राइस को रिक्वायर्ड सपोर्ट प्रोवाइड किया, एंड बूम प्राइस ने As expected, एक जबरदस्त शार्प अप मूव दे दी। Amazing, right? दोस्तों ये आप भी बहुत आसानी से कर सकते हो, बस आपको ट्रेडिंग को देखने का अंदाज थोड़ा सा बदलना होगा। फिर वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो या तो स्विंग ट्रेडिंग, मार्केट चालू होने से पहले ही हमें ये पता होना चाहिए कि आज हम क्या करने वाले हैं। अगर मार्केट भी ठीक वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसा हमने सोचा था तो ही हम अपने कैलकुलेटेड क्वांटिटी के साथ ट्रेड ले लेंगे। लेकिन अगर
मार्केट वैसे बिहेव नहीं कर रहा है तो हमें वो स्टॉक से दूर रहना ही काफी अच्छा डिसीजन साबित होता है। सी, हमें वो हर एक रैंडम ट्रेड नहीं लेना चाहिए जो हमें अच्छा लगे, बल्कि हमें पेशेंस रख के मार्केट के बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज को ही चुनना है जिनके प्रॉफिटेबल रहने के चांसेस भी काफी ज्यादा हो। गाइज, बिलीव मी, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक अगर हम यही करते जाए तो हमें ट्रेडिंग को एक रेगुलर और फिक्स इनकम सोर्स बना सकते हैं। लेकिन ज्यादा नहीं, पर रोज थोड़ा टाइम निकालकर हमें अपने स्टॉक्स को स्टडी करने होंगे। पर अगर आप वो रोज रोज नहीं कर पा रहे हो तो दोस्तों आपके लिए मेरी 100 रुपए वाली एक छोटी सी सर्विस है, आप उसका फायदा उठा सकते हो। इसमें आपको मेरी स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग की वॉच लिस्ट मिल जाएगी और उसके साथ साथ आपको मेरे इंट्राडे के अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। तो चलो दोस्तों, आज के लिए बस यहीं पे रुक जाता हूँ, मिलते हैं कल मार्केट में ही। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।